जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बुरी खबर बॉलीवुड से सीधा सामने आ रही है। सुबह 4:45 बजे ठीक गोविंदा को गोली लग गई। जी हाँ, इस वक्त पूरे बॉलीवुड में मातम पसरा हुआ है। वहीं आपको बता दें यह गोली जो थी गोविंदा को अचानक से लगी है, ठीक उस समय जब वह घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त उनके हाथ में बंदूक थी, नीचे गिरी और गोली चल गई। ऐसे में गोविंदा के बाएं पैर में गोली लगी है जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इसके तुरंत बाद उनको पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया जहां उनका इलाज जो है चल रहा है। फिलहाल गोविंदा की हालत में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, जिसकी जानकारी गोविंदा ने हॉस्पिटल से सीधा अपने प्रशंसकों को दी है। इतना ही नहीं, इस बुरे वक्त में सारे परिवार के विवादों को भूलकर बुरे वक्त में कृष्णा की पत्नी यानी कि कश्मीरा शाह अपने मामा ससुर को देखने हॉस्पिटल पहुंची है। कश्मीरा का एक वीडियो और तस्वीर जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं लगातार, जिसमें देखा जा सकता है कि कश्मीरा शाह हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए दिख रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कड़ी सुरक्षा और मीडिया के बीच कश्मीरा हॉस्पिटल के अंदर एंट्री। इस दौरान आप देख सकते हैं कि वीडियो में कश्मीरा के पति कृष्णा उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीरा के इस कदम से उनकी सराहना हो रही है पूरे सोशल मीडिया पर। फैंस का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे बुरे वक्त में ही अपनों का पता चलता है। कश्मीरा सभी विवादों को भूलकर अपने मामा ससुर से मिलने पहुंची है हॉस्पिटल में। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह 4:45 बजे गोविंदा कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। जाने से पहले वह पैकिंग कर रहे थे, इसी दौरान उनकी बंदूक नीचे गिरी और उनके दाएं पैर में एक गोली लग गई, जिसके चलते गोविंदा घायल हो गए और उनके पैर से काफी ज्यादा खून बहने लगा, जिसके बाद उन्हें तुरंत के पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिलहाल गोविंदा की हालत जो है सुधार में आ रही है और फैंस लगातार दुआ कर रहे हैं गोविंदा के लिए। आप भी दुआ कीजिए और साथ ही चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉलीवुड के दीवानी चैनल को हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों धन्यवाद।